दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरकेएम का। मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, ये पहले मैंने चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, बट ये जो चीज बता रहा हूँ बेसिकली ऑन रिकॉर्ड आ जा रही है और ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा है ना, तो हम इसको देख पाएंगे इजीली बाद में भी, रिकॉर्ड होने के बाद में। तो चलिए यम क्लाइंट और आरकेएम कमांड देखेंगे। इसके लिए मैंने कुछ ई नोट्स तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए, राइट। ये जो ई नोट्स हैं, इस ई नोट्स का जो पता होगा वो मैं आप सभी को, बाकी यूजर्स को इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वो वीडियो के अंत में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये रीजन होता है कि हम आरपीएम से करते क्या है एग्जैक्टली। तो आरपीएम का पहली बात तो ये पूरा नाम होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। ये एक प्रकार की कंपाइल्ड फाइल होती है, उसे पहले बात क्लियर कर लो, अच्छे से सुन लो, है ना। ये कंपाइल्ड फाइल होती है, एक तरीके का बाइनरी कंपाइल्ड हुई फाइल होती है जिसे हम खुद भी बना सकते हैं। तो रेड हैट के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनके अंदर चैप्टर आता है, तो हम खुद भी आरपीएम बिल्ड भी कर सकते हैं, बट वो हम चीज यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। हम तो सिंपली देखेंगे इंस्टॉल कैसे करते हैं। विंडोज में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आप लोग, सेम वही तरीका है, वही का वही तरीका हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, कोई अदर कोई चीज नहीं है। हाँ, वहां डबल क्लिक होता है, यहाँ हम कमांड लाइन पे करते हैं, क्योंकि वो जीयूआई बेस्ड होता है विंडोज में, यहाँ सीएलआई बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ मैंने यम भी बता रखा है कि आपको ये टूल डालने हैं, तो डब्ल्यू गेट का भी मैंने आपको बताया था, है ना। डब्ल्यू गेट से क्या करते हैं कोई बता सकता है मेरे को, कोई भी एक जना, कि डब्ल्यू गेट कमांड लिनक्स में क्या करती है? यस, एनीवन एल्स प्लीज नेट से कोई भी रिसोर्स डाउनलोड करने के लिए। हाँ जी, कोई भी रिसोर्स या कोई भी हम कह सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड फाइल होती है वो हमारे एसक्यूएल फाइल होती है। अनस्ट्रक्चर्ड में कोई मीडिया फाइल आ सकती है, कोई जेपीजी आ सकती है, कोई वीडियो क्लिप हो सकती है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि बी लॉग टाइप का है, जिसको हम बहुत बिग डेटा के तौर पे देखते हैं। तो इस प्रकार के डेटा को हम डाउनलोड कैसे करेंगे लिनक्स के टर्मिनल पे, क्योंकि लिनक्स के टर्मिनल पे तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई डेस्कटॉप नहीं दिख रहा, सिर्फ ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले तो दोस्तों ये देखते हैं, हम रूट के होम पर हैं, ठीक है। फिर मैंने ये कहा था आपको सिंपली क्या करना है, आपको डब्ल्यू गेट को इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड चलानी थी, गरिमा आप देख लें एक बार, है ना। ये कमांड मैंने क्यों चलाई है, तो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो जैसे कि यम इंस्टॉल डब्ल्यू गेट। तो चूंकि हमारे कंप्यूटर में डब्ल्यू गेट होती नहीं है ना, डब्ल्यू गेट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू गेट कमांड को इंस्टॉल कर लो आप। मैंने वहां पर कुछ और भी कमांड दिखा रखे, जैसे कि मैंने क्या रखा है, नेट हाइफन टूल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। मैंने दिखा रखा है नेट हाइफन टूल्स दिखा रखा है ना, और बाइंड हाइफन यूटिल्स दिखा रखा है मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार के ये टूल्स हैं, ये हमें इंस्टॉल करने होते हैं, है ना। ये हम क्यों करते हैं, ये नेट टूल्स के लिए हमारे इसलिए करते हैं क्योंकि हम इफ कॉन्फिग कमांड को कई बार यूज नहीं कर पाते। तो गरिमा आप देखना, बाकी स्टूडेंट्स देखना कि इफ कॉन्फिग कमांड कई बार चलती नहीं है लिनक्स में, तो ये टूल, ये जो कमांड का जो पैकेज है ये अवेलेबल नहीं होता। तो यम का क्या रोल होता है और रेड हैट के अंदर आरपीएम का क्या यूज होता है, ये समझने की बात है। ध्यान से सुनो इसको, कि यम से हम डिपेंडेंसी को रिजोल्व करते हैं, यम से हम डिपेंडेंसी रिजोल्व करते हैं, जबकि आरपीएम से क्या करते हैं, हम आरपीएम के द्वारा एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी को इंस्टॉल करते हैं। एक सिंगल पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए जो काम आता है वो होता है आरपीएम, जिसको हम बोलते हैं रेड हैट पैकेज मैनेजर। और जो यम है ये बेसिकली हम क्लाइंट यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज नहीं कर रहे अभी। तो यम के द्वारा हम मल्टीपल आरपीएम्स को एक साथ इंस्टॉल करते हैं। सबको क्लियर है बात, कि यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीपल आरपीएम्स को एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, और उनकी डिपेंडेंसी को रिजोल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आरपीएम कमांड से सिंगल एंटिटी या सिंगल एक आरपीएम को, सिंगल फाइल को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी क्या होती है, कोई बता सकता है मेरे को आप लोगों में से, कि किसी सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी क्या है, सही शब्दों में, लोकल शब्दों में कहें तो डिपेंडेंसी क्या है। हम यू कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी इसके अंदर दो। यस शिवम, कृपाल, अनस, गरिमा,
किसी भी वो मतलब सॉफ्टवेयर के चलाने के लिए और उसके जो भी हेल्पफुल होते हैं सॉफ्टवेयर अलग, जैसे .NET फ्रेमवर्क हो गया और इस टाइप से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जैसे सपोज करो मेरे को VLC पे मूवी देखनी है, ठीक है, और मैंने VLC पे इंस्टॉल कर लिया, डबल क्लिक किया तो कहता है ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। होता है ना, कई बार आप लोगों से हुआ होगा, तो ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर लिया। अब आपने ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया तो चल गया। इसका मतलब VLC प्लेयर को चलाने के लिए डिपेंडेंसी क्या थी, ग्राफिक्स कार्ड की नीड थी। ऐसे मैंने सोचा गेम खेल लेता हूँ लैपटॉप में, तो गेम खेलने लगा तो डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर नहीं था। तो जो यम होता है यहाँ पर लिनक्स में, यम सर्वर मल्टीपल आरपीएम को इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है, और इनमें से जो आरपीएम्स हैं इनकी भी कोई डिपेंडेंसी होगी तो वो भी ढूंढ के ले आएगा। अब इनकी डिपेंडेंसी क्या होगी, सी लैंग्वेज के पैकेज, जैसे कि जो सी और सी प्लस प्लस भाषाएं हैं कंप्यूटर में उनकी डिपेंडेंसी। ये देखो अभी दिखाता हूँ, शायद अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है, और इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये डिपेंडेंसी ले आएगा, राइट। तो डब्ल्यू गेट, यहाँ पर एक कमांड मैंने बताई थी गरिमा, ध्यान से सुनो इस चीज को। डब्ल्यू गेट के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी मीडिया को या किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डाउनलोड करते हैं। ये बात क्लियर है, पहले पहले ये बताओ, बात समझ में आ गई कि डब्ल्यू गेट से क्या करते हैं, हम कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा डाउनलोड करते हैं। यस एवरीवन, बाकी लोग बताएं, क्लियर हाँ जी सर। है ना। तो डब्ल्यू गेट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, सबने यहाँ पर एक कमांड बताइए। आपको ये लगता है कि नहीं सर मैं तो ये कमांड नहीं चलाऊंगी, है ना, तो आप क्यों कर सकती हैं क्या, यम इंस्टॉल, ठीक है, डब्ल्यू गेट मात्र ये चला लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, आपके लिए और लिख देता हूँ, ठीक है भाई, आपको तो इसी पैकेज की आवश्यकता है ना, ठीक है, और तो कोई पैकेज आपको चाहिए ही नहीं। तो डब्ल्यू गेट से हम क्या करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं बेटा, है ना, राइट। डब्ल्यू गेट से डाउनलोड करते हैं, तो मैंने जो आपको बताया था उस दिन वो एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है, ecb.ac.in एक वेबसाइट है, इसके अंदर रिसोर्स क्या है या मीडिया क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, जैसे ये हेडर आ रहा है, इसकी फोटो आ रही है, जो इसकी जो फोटो मैंने ले ली, ठीक है, अभी पूरी फोटो है, ये कहाँ से आ रही है बेटा, कहाँ से फॉलो हो रही है, इमेजेस में जाके, लोगो में जाके, बैनर में, है ना। तो मैंने ये बैनर वाली जो PNG फाइल है, JPG फाइल है, कुछ भी हो सकती थी, यहाँ पर कोई वीडियो हो सकता था, कोई PDF फाइल हो सकती थी, मुझे ये कंसोल पे डाउनलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कॉपी कर लिया पता को, ये जो पाथ है ये पाथ मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और मैं जब यहाँ आता हूँ तो अब सोच के देखो कि हम इसको यहाँ कैसे इंस्टॉल करेंगे। ना तो मुझे इस ब्लैक कलर की स्क्रीन में कोई डेस्कटॉप दिख रहा है, ना मुझे कोई रिसाइकल बिन दिख रहा है, ना मुझे कोई माई कंप्यूटर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे एक स्क्रीन दिखती है वहां पर मैं कुछ कमांड चलाता हूँ। तो इतने दिनों में आप लोगों को सबको पता लग गया होगा पढ़ते पढ़ते कि हम जब भी हम क्या करते हैं, कोई परफॉर्म करते हैं लिनक्स कंसोल पे, तो ज्यादातर हमें सारी कमांड्स कमांड लाइन पे देनी पड़ती हैं, ना कि कोई GUI एनवायरमेंट होता है। GUI एनवायरमेंट होता है बट हमने इंस्टॉल नहीं कर रखा, पहली बात तो ये है ना, हम मिनिमल आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है जी। तो ये अभी लोड कर रहा है, लास्ट में दिखा देगा इट्स ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड, तो अभी 5 मिनट और लगेंगे, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों और सिंपली देखता हूँ डब्ल्यू गेट कमांड है क्या। तो हाँ मैंने तो इंस्टॉल कर रखा था, तो इस डब्ल्यू गेट को मैंने क्यों इंस्टॉल किया अब आपको पता पड़ जाएगा। सर ये फोटो चाहते हैं, चलो छोड़ो, ये तो वही बात होगी जो हमने पहले पढ़ाया था कि सर ने जानबूझ के कहा कि भाई यही फोटो डाउनलोड करनी है, तो मैंने ECB की साइट पे गया। कोई मान लीजिए कोई PDF फाइल है, सपोज करो ये एक फाइल है, ठीक है, कोई फॉर्म है, सपोज करो कोई लेटर हेड है, ठीक है, ये लेटर हेड कैसा है, अभी डाउनलोड होने के लिए बोल रहा है सीधे। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया किसी भी लिंक के ऊपर, ध्यान से देख लेना एक बार गरीब इस चीज को, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और कॉपी करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ लिखा डब्ल्यू गेट, और इस प्रकार से। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ इस चीज को, मैं क्यों जोर दे रहा हूँ डब्ल्यू गेट के ऊपर, क्योंकि मेरे को आरपीएम इंस्टॉल करवाना है और आरपीएम मेरे पास में है नहीं। सबसे सबको पता होना चाहिए कि इस समय मेरे पास में आरपीएम नहीं है। तो सर ने एक हमारे को डेमो दिया है कि क्या, कि सर ने एक GPEX फाइल को डाउनलोड करके दिखा दिया। तो सर क्या डाउनलोड करेंगे, सर करेंगे आरपीएम डाउनलोड। ये बात सबको समझ में आ रही है कि सर हमारे को क्यों डब्ल्यू गेट सिखा रहे थे, कि सर इंटरनेट से एक आरपीएम को ढूंढ के लाएंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। इस वजह से सर ने क्या किया है, ये सारा का सारा हमारे को समझाया है, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर भाई सबको, कि हमारा ये डब्ल्यू गेट को इंस्टॉल करने का क्या उद्देश्य था, यस और नो? यस गरिमा और नो? यस सर। गरिमा? यस सर। इज इट ओके?
तो डब्ल्यू गेट, अब मैंने एक पता दे रखा है, बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे ये लाइन है ना, मैंने ये भी कहा था, ये एक असाइनमेंट है ना, मैंने कहा था कि विंडोज में जैसे अनरार होता है ना, ये इंस्टॉल करना है, ये असाइनमेंट है एक प्रकार का, तो इस असाइनमेंट को करना था बस सिंपल। ये इतना सिंपल सा असाइनमेंट है, इसको देखो सब लोग, ये असाइनमेंट है, सबने एक असाइनमेंट दिया कि भाई ऐसा करना, अपने कंप्यूटर में अनरार इंस्टॉल कर लेना। क्या इंस्टॉल कर लेना? अनरार। अब अनरार क्या होता है भाई, है ना, उस दिन मैंने इतना लेक्चर दिया था, इसपे वापिस से बताया था, अनरार एक प्रकार का विनजिप फाइल होती है, विनरार वाली फाइल होती है, जैसे आप लोग जिप करते हैं, अनजिप करते हैं ना फाइल को, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रकार से लिनक्स में एक पैकेज होता है, उसका नाम होता है अनरार, ठीक है, ये ओपन सोर्स का है, राइट। तो ये सर ने डाउनलोड करने के लिए बता रखा है, ये सब कुछ सर ने दे दिया यहाँ पर, अब इसमें क्या दिक्कत है, कॉपी करो इसको भाई, आपको तो नेट पे भी जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिंपली डब्ल्यू गेट के साथ में ये पैकेज निकालना है, ठीक है, कॉपी करना है, अपने कंप्यूटर में जाके क्या करना है दोस्तों, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आप इस आरपीएम को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको सर सिखा कह रहे हैं, पढ़ा कह रहे हैं कि कैसे हम एक लिनक्स की मशीन पे जो कि रेड हैट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पर हम आरपीएम कैसे इंस्टॉल करेंगे, रेड हैट पैकेज मैनेजर कैसे इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि हम विंडोज में डबल क्लिक करके exe फाइल को यूज करते हैं, सेम उसी प्रकार से आरपीएम कमांड का यूज कैसे किया जाएगा, तो यहां पर ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पता है ये मैं इंटरनेट से ढूंढ कर लाया हूँ, ये मैंने कैसे किया था ये आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मैंने उस दिन बताया भी था पिछले लेक्चर में, इंटरनेट पे गया, सर्च किया, आरपीएम फ्यूजन एक वेबसाइट है, तो ये डब्ल्यू गेट जब मैं करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, तो ऐसा मेरे पास मैसेज आना चाहिए 100% होता हुआ, ये देखना चाहिए, और ये कहता है सेव हो गया है। तो मैं यहाँ पर कैसे चेक करूंगा, सब लोगों को मालूम है, तो मैं ls-l करके पता लगा सकता हूँ डब्ल्यू गेट से आरपीएम डाउनलोड हो गया, हाँ हो गया है, हाँ आ गया, डाउनलोड हुआ है अभी, इंस्टॉल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, तो rpm-ivh, ठीक है, क्या, और पैकेज का नाम un लिखा और टैब प्रेस किया तो अपने आप आ गया, ठीक है। मैं ये पहले से निर्धारित करता हूँ, पहले से ये श्योर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये पैकेज पहले से इंस्टॉल तो नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने कुछ बता रखा है क्या किसी को, बताओ, यस एवरीवन, हम ये पैकेज को कैसे चेक करेंगे कि पहले से इंस्टॉल है, कोई बता सकता है मेरे को, कोई भी एक जना, ये जो पैकेज है अनरार, ये मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरे लिनक्स में इंस्टॉल है या नहीं है, बताओ शिवम, देखो नहीं मालूम है, देख लो एक बार, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, rpm-qa grep और पैकेज का नाम क्या डाल दिया अपने, अनरार, ठीक है, तो कहता है ये तो पहले से इंस्टॉल्ड है, सब लोग देख रहे हैं, यस, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इंस्टॉल करने से पहले हम क्वेरी भी तो करते हैं ना, कि मान लीजिए हमारे को कोई सॉफ्टवेयर डालना है वीएलसी प्लेयर, हमने डबल क्लिक किया, वो कहता है ये प्रोग्राम फाइल से मौजूद है, तो हम कहते हैं ठीक है इंस्टॉल इट, इट्स ओके, तो या तो मैं आपको पहले हटाना चाहता हूँ, है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी देख लो हटाते कैसे, ये उसने देखा था ना, कि देखा था, यस और नो, याद आ रहा है कुछ, अब हाँ नहीं बोल रहे तो इससे ऐसा लग रहा है कि हम पढ़े नहीं, यस सर, अब ये देखो ये rpm-qa क्या कर रहा है, कोई बताएगा मेरे को, QA का मतलब क्या है यहाँ पर, Query all, तो ये सारे जितने भी install RPM की listing देगा, तो अपने को एक बार ये command क्यों चलानी है, ताकि हम अपना ये जो अनरार का पैकेज डाउनलोड किया है ना, इसको इंस्टॉल कर सके, लेकिन चेक तो करें, अगर पहले से इंस्टॉल था तो फिर फायदा क्या इंस्टॉल करने का, या तो अपग्रेड करो नया वर्जन का अनरार, लेकिन मेरे को तो क्लास में पढ़ना है, तो मैंने क्या किया आप लोगों को दिखाने के लिए, इसको इरेज कर दिया, -e लगा के क्या कर दिया, इरेज का मतलब अनइंस्टॉल। अब जो हमारी चलेगी क्लास, बिल्कुल मान लीजिए फ्रेश क्लास है, यहाँ पर सबको क्लियर होना चाहिए कि सर ने सिंपल एक काम किया था, डब्ल्यू गेट से डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद सर ने हमारे को ls-l करके दिखा दिया, ठीक है, फिर सर ने मेरे को बताया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं आरपीएम को, कैसे इंस्टॉल करते हैं, यानी रेड हैट पैकेज मैनेजर जो कि विंडोज में exe फाइल होती है, उनको कमांड लाइन पे कैसे इंस्टॉल करते हैं आरपीएम्स को, वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को ये पैरामीटर डालना पड़ता है, गरिमा सुन रहे हो, गरिमा ध्यान से देखो, देख रहे हो आप, IVH लिखते हैं, ठीक है, आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, माइनस आई इंटरेक्टिव, और V का मतलब वर्बोस, और H का मतलब H का पता है हाइफन मोड, H लिखा होता है ना ह्यूमन रीडेबल मोड, ठीक है, तो IVH ये पैरामीटर कब लगाते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं, इंटरेक्टिव मोड का मतलब इंस्टॉल होते हुए दिखेगा हमें, जैसे विंडोज में होता है ना नेक्स्ट 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 नेक्स करते हैं वैसे ही,
सिंपल है। अभी अनुराग का पूरा टाइमिंग, अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो घर पर देखो, फिर लिनक्स को पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। यदि आप लोग ऐसा करेंगे ना, UNRAR अभी लिस्टिंग करें पहले, सबसे अच्छी हैबिट यही होती है, डाउनलोड कर लिया, हाँ कर लिया, नाम सामने आ गया, आ गया, अब इंस्टॉल करें। और अभी भी कोई यूं कर रहा है ना, तो फिर तो यार देखो गलत बात है कि आप लोग पूरा टाइप कर रहे हैं अनरार हाइफन 5.4, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा भाई। आप लिखें अन और दो बार टैब प्रेस कर दे तो अपने आप आ जाएगा। ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल मोड में, इंटरेक्टिव मोड में 100% लिखा हुआ आ गया, एक्सट्रैक्ट किया और इसने इंस्टॉल कर दिया, कर दिया इंस्टॉल। अब दोबारा से मुझे क्वेरी करना तो मैं क्या करूंगा, गरिमा बताइए कैसे क्वेरी करूंगा कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। गरिमा बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको चेक कि ये पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। सर आरपीएम क्यूए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर ये पाइप क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा क्या मेरे को, ये पाइप ऑपरेटर क्यों लगाया भाई, कृपाल क्यों लगाया इसको मैंने, शिवम अनस, मल्टीपल कमांड से एग्जीक्यूट करने की, मल्टीपल कमांड जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम कोई पढ़ तो रहा है, इसका मतलब ये आंसर आता है, इसका मतलब ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो QA पाइप लगाना, इसका मतलब लिनक्स की मल्टीपल कमांड्स को चलाने के लिए हम पाइप लगाते हैं। तो RPM-QA का पूरा जो रिजल्ट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, नेक्स्ट कमांड में। और ग्रैप से क्या करते हैं भाई, कोई बताएगा, ग्रैप से पैटर्न को मैच करते हैं, क्या करते हैं, पैटर्न को मैच करते हैं। अब मैं कहूँ हमारी क्लास में K नाम से कितने लोग हैं, तुमको किस तरह, चार पांच बच्चे तो है, कृपाल के नाम से एक ही स्टूडेंट है। अगर हम कहते हैं हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो उनमें K नाम से स्टूडेंट वाले कमल है, कमलेश है, कपिल है, कृपाल है, तो K नाम से कई लोग होते हैं, तो हम पैटर्न को फाइंड आउट कर। ग्रैप कमांड बिल्कुल जो डाटाबेस की जो लाइक ऑपरेटर करता है काम, वही का वही ग्रैप कमांड यहाँ कर रही है। और वो क्या करती है कि एक ढेर सारे आउटपुट में से एक स्पेसिफिक आउटपुट को निकालता है और फिर उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारा RPM-IVH कमांड से ये इंस्टॉल तो हो गया, वेरी नाइस। लेकिन अब इंस्टॉल होने के बाद में हम इसको क्वेरी भी कर सकते हैं ना, क्वेरी किया हमने, हाँ ठीक है इंस्टॉल हो गया। नाउ वी कैन डू वन थिंग, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फाइल्स को, और साथ साथ में हम इसको यूज भी कर सकते हैं जिप करने में, ठीक है। तो जो काम विनजिप विनरार से होता है वही काम यहाँ पर अनरार से भी होता है। खैर इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट था, हम यहाँ आते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, अब सबको समझ में आ गया। अब ये यहाँ पर इंस्टॉल क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस जगह पे भी मैं ये लिख देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे सर आपने, ये देखो यहाँ पर मैंने तो आपको सिंटेक्स बताया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, हमेशा आरपीएम का नाम आता है, ठीक है, ये असाइनमेंट अब चला लेना, ठीक है, इसको चेक कर लेना, ठीक है, ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। इरेज कैसे करते हैं ये तो बता ही रखा होगा मैंने, तो इरेज करने का तरीका यही है, हमेशा जब भी आप इरेज करें सॉफ्टवेयर को बिना देखे इरेज ना करें, और घातक कमांड है इसको शुद्ध नहीं बोले तो डायरेक्टली बिना परमिशन के कंपनी में ऑफिस में डिलीट नहीं करना किसी पैकेज को, हमेशा अप्रूवल चाहिए इसकी, प्रायर अप्रूवल होगी तभी हम किसी भी पैकेज को रिमूव कर सकते हैं, विदाउट द प्रायर परमिशन वी कैन नॉट डिलीट द सेम, है ना, हम इसको नहीं कर सकते। सो वी शुड टेक द परमिशन फ्रॉम द प्रायर अथॉरिटीज, देन आफ्टर वी कैन प्रोसीड। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जो अनरार है ये एक पैकेज को पहले ढूंढना है, देन आफ्टर वी कैन डू वन मोर थिंग कि वी कैन टाइप द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पैकेज। तो रिमूव करने का बड़ा वही तरीका है दोस्तों, RPM-QA किया, ग्रैप करके अनरार किया कि अनरार के नाम से कोई पैकेज है, एंड वी फाउंड दैट द नेम ऑफ द पैकेज इज केम। तो यहाँ पर एक पैकेज का नाम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 5.4 जो है ना ये इसका वर्जन आ रहा है, लेकिन लास्ट में आप देखें यहाँ पर RPM नहीं आ रहा। तो जब भी आप इरेज करते हैं किसी पैकेज को, तो जब भी आप पैकेज को इरेज करते हैं, जब भी आप किसी पैकेज को इरेज करते हैं, तो कभी भी RPM का एक्सटेंशन नहीं देते। तो यहां से इसको कॉपी किया और हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलत है क्या, तो जब इंस्टॉल करते हैं तब तो RPM एक्सटेंशन होता है, जब इरेज करते हैं तो एक्सटेंशन नहीं आता। अब ये देखिए इरेज हो चुका है,
इसको दोबारा क्वेरी करूंगा तो ये नहीं मिले, ठीक है। तो सिर्फ क्या आरपीएम ही होता है पंडोरी पैकेज है लिनक्स में? बहुत सारे पैकेजेस हैं रिक्वायरमेंट। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एक आरपीएम को इंस्टॉल करेंगे, मैं क्या एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो बात आती है हमारे ऑफिस में, हमारे सर ने कहा, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं जहाँ, मैंने कहा कि भाई अनरा जो पैकेज है इसको अपडेट करो। यहाँ पर हो सकता था पीएचपी हो, यहाँ हो सकता था मारिया डीबी होता, मोंगो डीबी होता, कोई भी वर्जन हो सकता था। तो लिनक्स के अंदर या रेड हैट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जो अनरार का पैकेज है ये अभी इंस्टॉल हुआ हुआ है, हमने देखा था 5.4 और हमने नेट से डाउनलोड कर लिया दोस्तों 5.6। तो हम कभी भी अपग्रेड होता है हमेशा, हम डाउनग्रेड नहीं होते। आपको मालूम होगा ओएस हुआ सॉफ्टवेयर हुआ हमेशा अपग्रेड होता है, तो डाउनग्रेड बहुत रेयर केस होता है, कोई ना कोई फेल ओवर कंडीशन होती है तभी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो अनरार पैकेज है ये एक प्रकार का स्टेबल पैकेज हो सकता है। तो मैंने इंटरनेट से लेटेस्ट अपडेट निकाला और मुझे इंटरनेट से 5.6 मिल गया, समझ रहे हैं, अनरार 5.6। तो मैंने कहा ये नया पैकेज है तो क्यों ना मैं अब इसको इंस्टॉल करूं। तो मैं इंस्टॉल करने की जगह दोस्तों क्या कर सकता था, इसको अपडेट भी कर सकता था, ठीक है। तो अपडेट करने से बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि मेरे पास से पुराने वाला जो सॉफ्टवेयर है अनरार का उसकी लाइब्रेरी भी है और नए वाले की लाइब्रेरी भी रह जाएंगी। अभी मेरे पास में 5.6 नहीं है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए वही का वही पैकेज दोबारा से चला दिया, समझ रहे हो। यदि यहाँ 5.6 होता तो 5.4 भी रहता और 5.6 भी मेरे पास में लाइब्रेरी के तौर पे आ जाता, क्योंकि किसी भी लिनक्स में दो वर्जन मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी एक साथ रख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। दो से अधिक करते हैं जब वर्जन तो कन्फ्यूशन होता है। जैसे हम करें, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो कॉलेज के अंदर पीएचपी पढ़ा हो तो पीएचपी का जो कहते हैं कई बार 5.4 वर्जन है, कोई कहता है 5.67 वर्जन भी होता है। दो वर्जन हम एक साथ एक सर्वर पर रख सकते हैं, सेम सर्वर पर। अगर कोई कहे कि नहीं एक काम करो यार पीएचपी का ये भी चलाओ, एक लाइन कह रहा है 5.6 पे चलाओ, एक लाइन कह रहा है पीएचपी 5.5 पे चलाओ, तो भैया ऐसा नहीं होगा। एक सर्वर पे, सिंगल सर्वर पे दो वर्जन मैक्सिमम हो सकते हैं, बट इसमें भी बहुत परेशानी आती है। तो वैसे तो लोग एक ही वर्जन रखते हैं सर्वर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर भी अगर क्लाइंट कहता है पर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम एक लो कॉस्ट कंपनी है, तो हम क्या कर सकते हैं सर्वर के ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अपग्रेड का मैंने आपको बताया था। आई होप आप लोगों को आरपीएम कमांड क्लियर होगी, बहुत सिंपल कमांड है ये, एक सिंपल एक बाइंड कह सकते हैं बाइनरी बाइट बिल्ड फाइल होती है, यानी ये कंपाइल्ड फाइल होती है जिसके अंदर एक सिंगल एक आरपीएम के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है उसके अंदर होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम आरपीएम को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी निकल के आ जाती है, है ना। तो वो डिपेंडेंसी कौन रिजोल्व करेगा, कोई बता सकता है मुझे डिपेंडेंसी रिजोल्व करने के लिए क्या होता है हमारे पास में? डिपेंडेंसी को रिजोल्व करने के लिए क्या होता है लिनक्स में, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी को कौन रिजोल्व करता है? अब बोल नहीं रहे, यम, यम सर्वर होता है। तो यम जो होता है, ये यम सर्वर एक प्रकार का ये डॉग के नाम पे रखा हुआ नाम है, येलो अपडेटेड मॉडिफाइड डॉग। अगर कोई पढ़ना चाहे इंटरनेट से तो मैन स्पेस यम करके देख सकता है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा येलो डॉग अपडेटेड मॉडिफायर, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों, पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, क्या करता है पैकेजेस को ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पैकेज वाया यम, तो यम से कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी दिखाया था मैंने, है ना। तो अब मैं यहाँ पर नए तरीके से आपको दिखाता हूँ, बार बार एक ही पैकेज को इंस्टॉल करते कुछ और इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने कहा एक पैकेज है पीएचपी, एक पैकेज है पीएचपी सीएलआई, एक पैकेज है मारिया डीबी, ठीक है, ऐसे इंस्टॉल करते हैं, और एक है मारिया डीबी हाइफन सर्वर। तो अपने चार पैकेज एक साथ डाल के देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। गरीबा ध्यान सुन रहे हो इसको, तो यम से हम क्या करते हैं, हम यम क्लाइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब लोग क्लियर कर ले, हम यम क्लाइंट पढ़ रहे हैं, हम यम सर्वर नहीं पढ़ रहे। यम क्लाइंट इज बेसिकली यूज टू डाउनलोड मल्टीपल आरपीएम्स, मैं हिंदी में बोल देता हूँ एक बार। यम क्लाइंट का काम होता है मल्टीपल आरपीएम्स को लिनक्स पे डाउनलोड करना, ठीक है। जब हम रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं तो इसका नाम यहाँ पर यम होता है दोस्तों। जब हम यूबंटू काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा एप्ट गेट, क्या दिखेगा, एपीटी गेट, ठीक है, और वहां पर नाम हो जाएगा इंस्टॉल, जैसे कि अपन ने कहा पीएचपी, ठीक है। तो होगा सब कुछ वही का वही, बस यहाँ पर यम की जगह क्या नाम आ जाएगा दोस्तों, एपीटी गेट आ जाएगा, एप्ट गेट या एप्टीट्यूड लिखा हुआ आ जाएगा या एपीटी इंस्टॉल आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में चलते हैं लिनक्स के फ्लेवर्स में, अगर मेनली देखा जाए तो एक होता है रेड हैट बेस्ड जिनमें सेंटोएस फेडोरा आते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों यूबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक
डेबियन सीरीज का पार्ट है, डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डेबियन ओएस, आपको ये दिख जाएगा कि डेबियन ओएस कौन सा होता है। क्या ये भी एक लिनक्स है? हाँ ये भी एक लिनक्स का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट है ना। और भारत के अंदर भी इस समय डेबियन को अच्छे ढंग से यूज किया जा रहा है, जिसका नाम बोलते हैं इसको बॉस ओएस बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो बॉस ओएस है ये एक प्रोजेक्ट है सी डेक का, है ना। और इसका मतलब होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये स्कूल कॉलेजेस में एनसीईआरटी के अंदर पैथन पढ़ाने के लिए, बच्चों को सी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए काम में आ रहा है इस समय दिल्ली में भी। ठीक है, तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको यूबंटू के अंदर एक और बताया था, गरुड़ा लिनक्स, राइट। ये भी भारत का ही खुद का बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है, गरुड़ा लिनक्स बोलते हैं इसको। और यहाँ श्री, आप समझ सकते हैं कि इंडियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कौन सी भाषा में हो सकता है, उसको डाउनलोड करना चाहें तो ये सर्वर और क्लाइंट दोनों देता है। अब इसमें क्या होता है, थीम होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना विंडोज थीम होती है, वैसे लिनक्स के अंदर थीम होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो केडीई, जीनोम, ये सब थीम के नाम होते हैं। और इन थीम के अंदर क्या होता है बेटा, पैकेजेस होते हैं। ठीक है, इन थीम्स में क्या होता है, पैकेजेस। अकॉर्डिंग टू थीम हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोग्रामर है स्टूडेंट, तो वो प्रोग्रामिंग के लिए क्या 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 डाउनलोड करेगा, केडीई वाली थीम डाउनलोड कर लेगा, उसमें सारे प्रोग्रामिंग के टूल आ जाएंगे। कोई ज्यादा नहीं, सर मेरे को तो सिंपल डेस्कटॉप चाहिए, तो जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है उसको बोलते हैं जीनोम। तो ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट बने हुए लिनक्स के, तो ये हम यूज में ला सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये लिखी हुई है, 4 GB की रैम होनी चाहिए, 30 GB का स्टोरेज होना चाहिए, ओपन जीएल पैकेज होना चाहिए, और 64 बिट आर्किटेक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये सारा इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं, रिकमेंडेशन दे रखी हैं, और ये अभी काफी पॉपुलर हो रहा है इस समय, तो आने वाले समय में आप इनको भी देखेंगे। ये सब क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि बॉस हो गया, जैसे गरुड़ा हो गया, जैसे डेबियन हो गया। हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये आप सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं ये सेंटोएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कैट कर सकते हैं आप, कैट से किसी भी फाइल का आउटपुट आता है, ये लिख ले एक बार कॉपी में, कैट से फाइल का आउटपुट आता है। यहाँ पर एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर OS-release, यहां से मालूम पड़ता है कौन सा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यहां पर हम ये देख सकते हैं कि कैसे कौन से वर्जन को, कौन से आर्किटेक्चर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, या कौन सा हम कर्नल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी बग रिपोर्टिंग कहाँ होगी, होम यूआरएल क्या है, राइट। तो जितने भी रेड हैट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी यही लोकेशन होती है ओएस को चेक करने की। डेबियन में भी यहाँ पर यही तरीका होता है, कैट ईटीसी ओएस रिलीज करेंगे तो वहां डेबियन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर डेबियन अलग अलग प्रकार होंगे वो भी आपको पता पड़ जाएगा, यूबंटू का वर्जन कौन सा ये पता पड़ जाएगा। तो आपको एक विशेषता दिखेगी सर्वर साइड में और क्लाइंट साइड में। हम अभी जो यूज कर रहे हैं ये सर्वर साइड है, और सर्वर साइड की पहचान होती है यहाँ पर हम रूट यूजर से लॉग इन होते हैं, और हमारे को यहाँ पर एज ए ग्लोबल एक्सेस मोड हैश दिखता है। ये हैश हमें बताता है कि हम सुपर यूजर से लॉग इन है, हम किसी लोकल यूजर से लॉग इन नहीं है। ठीक है, यदि हम लोकल यूजर से लॉग इन होते, ठीक है, यदि हम लोकल यूजर से लॉग इन होते तो जैसे मेरे लोकल यूजर का नाम है एलाइस, ये इंग्लिश नाम है। ठीक है, तो आपको डेबियन में या यूबंटू में बाई डिफॉल्ट दिखता है डॉलर वाली शेल दिखती है। तो इसमें इसका मतलब आप समझ जाए कि आप एक लोकल यूजर से लेस प्रिविलेज मोड से लॉग इन है, और यदि आप हैश आ रहा है इसका मतलब आप सुपर यूजर से लॉग इन है। ठीक है, अब बात आती है कि यम क्यों यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको इतना क्लियर किया है, शायद आई होप सबको समझ आ गया होगा कि रेड हैट के अंदर हमेशा यूज करते हैं यम, और जो यूबंटू काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूबंटू, यानी कैसे डेबियन में जो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो यूज होता है वो क्या यूज होता है दोस्तों, apt-get यूज होता है। ठीक है, तो ये बस एक थोड़ी सी आप लोगों को बताने के लिए कि कभी कंपनी में काम करोगे तो ऐसा ना हो कि वहां देखोगे अरे यार ये apt-get क्या होता है तो हमारे को पढ़ाया ही नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा आपको फैमिलियर होना जरूरी है, तो इसके लिए अपने लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख लेना एक बार, है ना, मैं बता दूंगा आपको, है ना। अब यम से इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ पैकेज डाल के देखते हैं, फिर यम सर्वर की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, ठीक है, और फिर रिमूव कैसे करेंगे, फिर अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए बड़ा सिंपल सा कमांड चला के देखते हैं। यम पहले तो हम चलाते हैं इन्फो, तो सेकंड नंबर कमांड में पहले चला रहा हूँ, बी जो बी नंबर कमांड है ना, इंफॉर्मेशन चेक कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन चेक, हाउ टू चेक इंफॉर्मेशन, हाउ टू चेक इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग या अबाउट द पैकेज, अबाउट द आरपीएम, ठीक है, आरपीएम की रिगार्डिंग. ये अपने कंप्यूटर चेक नहीं कर रहे, जैसे अपन क्या करते थे, आपको ध्यान होगा आरपीएम हाइफन क्यू ए चलाते थे, तो वो तो हमारे मशीन पे, लिनक्स मशीन पे चेक करता था, याद है. हम अब चेक कर रहे हैं किस पे, सर्वर के ऊपर, कि सर्वर पे मान लीजिए पीएचपी है, वो कौन से वर्जन का है, तो हम ये देख रहे हैं बेसिकली, है ना. तो हमने यहाँ पर ये देखा और हमने पाया कि यहाँ पर शायद 5.6 है या वॉट एवर जो भी अवेलेबल है, वो हमारे को ये दिखा देगा, ठीक है. तो आप लोग भी अपने एंड से चला सकते हैं कि आपको दिखा देगा पीएचपी क्या करता है. पीएचपी एक डायनामिक स्क्रिप्टिंग है, ये वेब डेवलपमेंट के हिसाब से काम करता है, ठीक है. सारी डिटेल में आ जाएगा, पैकेज का वर्जन क्या है, पैकेज का इंस्टॉल होने के बाद में साइज क्या होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स फैच कर रहा है. और इस डिटेल की साइज क्या है दोस्तों, लगभग 5 MB की थी और ये इतना समय और बाकी है इसको डाउनलोड होने में, ये इंफॉर्मेशन गैदर करके ला रहा है. तो इंफॉर्मेशन देखने का तरीका क्या होता है किसी भी पैकेज के बारे में, यम इन्फो पीएचपी. कोई ये जाना चाहे कि सर मेरे को तो पहले जो पढ़ा था जीसीसी के नाम से एक पैकेज होता है, ठीक है, किसी के दिमाग में आया कि सर एक जीसीसी पैकेज होता है, मैंने पढ़ रखा है, मुझे उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं कैसे करूंगा, तो आप लिखेंगे यम इन्फो जीसीसी. बहुत सिंपल हो गया, है ना. जैसे मैंने कहा यहाँ पीएचपी, ऐसे आप एक चला के देख सकते हैं कैसे, यम इन्फो क्या जीसीसी, जीसीसी, ठीक है. तो जीसीसी क्या होता है बेसिकली, सी सी प्लस प्लस के जो कंपाइलर्स होते हैं ना, उनके लिए हम क्या, सी के कंपाइलर को बोलते हैं जीसीसी. और जो सी प्लस प्लस के होते हैं यहाँ पर, इसका नाम यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जी प्लस प्लस, क्या होता है, जी प्लस. तो सी प्लस प्लस की जगह आता है यहाँ पर जी प्लस प्लस, और सी की जगह होता है यहाँ पर जीसीसी, ठीक है. तो ये देखो दोस्तों, जब हमने कमांड चलाई थी यम इन्फो पीएचपी, तो ये इतनी देर में इंफॉर्मेशन लेकर आया, थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ अलग पैकेज डाल रखे हैं. मुझे दिखा रहा है 5.6.40 ये वर्जन दिखा रहा है, इसका साइज ये है दोस्तों, ठीक है, कर्नल का वर्जन ये है इसके. और पीएचपी क्या करता है ये देख लो, डायनामिक वेबसाइट बनाता है, जो कि डेटाबेस से कनेक्ट होती है, उन्हीं को तो डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं. यस, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, जो डेटाबेस ओरिएंटेड होती है उनको हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट, ठीक है. तो अब बात यहां पर ये आती है कि पीएचपी का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो ये रहा. ऐसे ही अगर किसी को लगे सर मेरे को तो ना जानकारी चाहिए जीसीसी क्या होता है, तो आपने कहा ठीक है, जीसीसी एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी है ऑब्जेक्टिव सी और इनकी. ऐसे ही मुझे कोई जानकारी चाहिए जैसे कि शायद इसमें हो, बट देख लेते हैं, ओपन जेडीके कुछ होता है, जैसे जावा होती है ना अपने, जावा का यहाँ पर वर्जन नहीं है. तो जावा का जो देखो, जावा जो है वो ओरेकल की है, ठीक है, जावा किसका है, ओरेकल कंपनी. ये सब वो क्लियर है, यस और नो? शायद मैंने फर्स्ट डे या सेकंड डे बता दिया था आप लोगों को कि जावा जो है वो अब इस समय ओरेकल के साथ में आता है, यस और नो बोलिए, यस सर, है ना. तो जो जावा है अभी ओरेकल का पार्ट है, लेकिन जो जो लिनक्स है, जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उसके अंदर आज भी जावा का नाम क्या है दोस्तों, ओपन जेडीके. क्या नाम है, ओपन जेडीके, ठीक है. अभी ओपन जेडीके जो है ना, इसका नया नाम क्या आ गया है ये भी मैं बताता हूँ. इसका नया नाम है दोस्तों जुलू. क्या है, जुलू मतलब अपने आप में एक बहुत अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है जिनके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है हमें, जैसे कॉलेज है, जैसे कोई स्कूल्स है, या कहीं हमारे को कुछ डेवलपमेंट करना है, तो हम इन ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं. इनके लिए हमें किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती. अभी ओपन जेडीके जो है ये जावा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये ओपन सोर्स कम्युनिटी का है. और इसके अंदर कहीं ना कहीं जेवीएम में कोई ना कोई एक टैग मिसिंग होगा जो कि एक पेड वर्जन में आता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दूसरी बात ये, ओपन जेडीके का नया नाम आ गया दोस्तों, जुलू जेडीके, है ना, जुलू जावा. तो आपको बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा, या आप पढ़िएगा इसके बारे में, क्योंकि इंडस्ट्री में इस समय जो वास्तव में जो काम हो रहा है वो जुलू के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना. तो आप अगर सर्च करेंगे जुलू, ठीक है, Is it connected? Yes. Am I connected and audible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, yeah. So the new name of नया जो नाम है Zulu Java जो देख रहे हैं हम, ये जो Azure Zulu है, ये जो मैं आपको बता रहा था Open JDK, जो पुराना Java था उसका नाम था ओपन सोर्स कम्युनिटी में Open JDK.
इस समय इंडस्ट्री में जो जावा चल रहा है उसका नाम है एज्यूर जुलू, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज के ऊपर, कॉलेज में दिखा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, फ्री डाउनलोड है, ठीक है। तो आप फ्री पे क्लिक करें, फिर कहेगा कहता है प्लेटफॉर्म किसके लिए चाहिए, जावा कौन सा चाहिए। मैंने कहा अब देखो जावा के वर्जन देखो कितने सारे आ गए। LTS का मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट। तो जावा 17 17 वर्जन चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, विंडोज चाहिए, किसके लिए चाहिए बताओ आप। ये देखो सबके लिए दे रखा है, एल्पाइन, ओरेकल, फेडोरा, डेबियन, यूबंटू, सेंटोएस, रेड हैट। तो मैंने कहा मुझे रेड हैट के लिए चाहिए, ठीक है। कहता आर्किटेक्चर बोलो, मैंने कहा 64 बिट, है ना, 64 बिट। कहता पैकेज कैसा, JDK। तो मैंने कहा ठीक है भाई बता। तो इसने मुझे कहा कि आपके पास में सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है वो ये होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, राइट। अब ये मुझे क्या देगा इसका RPM, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो तीनों बातें। ये देख रहा हूँ राइट साइड में इधर क्या क्या आ रहा है, जिप आ रहा है, टार फाइल आ रही है, और एक आ रहा है RPM। तो क्या डाउनलोड करना चाहिए हमारे को, हम RPM को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट RPM मैं डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कहीं जाएगी मुझे भेज देना, कहाँ से डाउनलोड होंगे, विंडो में जाएगा। अब मैं मेरे को इंस्टॉल करूँ इसको लिनक्स में, तो कैसे करूंगा फिर बता सकता है, wget कमांड wget कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर इसका कॉपी कैसे लेके ये करना है, क्या करूंगा मैं, कुछ बताओ मेरे को कैसे डाउनलोड करूंगा इसको मैं। इसको राइट क्लिक करके आ जाएगा कॉपी लिंक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करेंगे बेटा, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस लिंक के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे मैं पर बताओ, कॉपी लिंक एड्रेस देख रहे हैं आप यहाँ पर सब लोग, यस और नो दिख रहा है, कृपाल वेरी मच, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो गई, मेरी बंद हो चुकी है इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप लोगों की भी हो चुकी है, सही है। क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, बोलो भाई क्या करेंगे इसको, मुझे कॉपी करना है, तो इस लिंक को कॉपी करना है, क्या करूंगा मैं, लिंक एड्रेस कॉपी करें, राइट क्लिक किया और कॉपी लिंक एड्रेस। अब क्या करूंगा बताओ, मुझे इसको डाउनलोड करना है या लिनक्स पे, कौन बताएगा, गरिमा बताइए मेरे को, चलो बताओ कैसे करेंगे, सर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे या हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखूं यहाँ पर, डाउनलोड कैसे करूंगा, ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, कितने MB का है, 168 MB का है, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये सर्वर पे भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और लगभग कितना टाइम चाहिए इसको, 6 मिनट चाहिए, होता रहेगा कोई बात नहीं, फिर बाद में देखेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो बात ये आती है कि यहाँ तक अगर हमारे समझ में आ गया है कि यम से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, अब यम से इंस्टॉल कैसे करेंगे है? तो मैं अभी एक बार एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ डुप्लीकेट टैब, राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पर दे दिया रेड हैट। अब वो जो टास्क चल रहा है वो चलता रहेगा, बंद तो होगा नहीं, है ना, वो भी डाउनलोड चल रहा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और मैं दूसरे टैब में आता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ, जब मुझे सपोज पर कुछ इंस्टॉल करना था, यम इंस्टॉल, सब लोग ध्यान देख लो, हम सिंगल पैकेज भी कर सकते हैं, मैं ऐसे भी कर सकता था, एंटर कर देता, ठीक है, और मुझसे पूछता क्या करना तो मैं बताया था, ठीक है। मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मारिया डीबी एक डेटाबेस का नाम होता है, अगर आप लोगों ने कभी कॉलेज में पढ़ा हो सुना हो, माई एसक्यूएल का नया नाम क्या है लिख लो कॉपी में, माई एसक्यूएल का जो नया वर्जन है जो कि ओपन सोर्स है उसका नया नाम है MariaDB। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि ओपन JDK का नया नाम क्या हो गया बेटा, ओपन JDK का नया नाम क्या आ गया मार्केट में, जुलू, एज्यूर जुलू, ठीक है। उसी प्रकार से जो MariaDB है उसका नया फ्लेवर जो है वो MariaDB की शेप में मिल रहा है, और MySQL अब इस समय पेड हो चुका है, एंटरप्राइज बन चुका है। एंटर करेंगे दोस्तों यहाँ पर, हम जैसे हम एंटर करते हैं तो ये इंटरनेट पे जाता है और वहां से डिपेंडेंसी लेके आता है। तो अब आप ये देखेंगे हमने पैकेज कितने इंस्टॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, पैकेज इंस्टॉल करने हैं हमारे को 4, PHP, PHP CLI, MariaDB और MariaDB सर्वर। इन 4 पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कितने डिपेंडेंसी सबको दिख रही है क्या, ये देखो कितने सारे पैकेज हैं जो कि इसको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये मैं तो कर ले रहा, ये कौन कर रहा है, यम कर रहा है, यही यम की ताकत है। यम क्या करता है, डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करता है, इंटरनेट से ढूंढता है और ढूंढ के
कि इन चारों को इंस्टॉल करने के लिए या एक बेस की आवश्यकता है, वो बेस तैयार करेगा। ठीक है, इन चार पैकेज के लिए अटेंडेंट पैकेजेस चाहिए और ये इंस्टॉल हो रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया वो यम का क्या मीनिंग होता है, कि डिपेंडेंसी रिजॉल्व होती है और वो कमांड लाइन पे पैकेजेस कैसे डालते हैं। हम एक पैकेज भी डाल सकते हैं, हम मल्टीपल पैकेज भी डाल सकते हैं। तो बात ये निकल के आती है कि क्या यम सिर्फ इंटरनेट से ही डाउनलोड कर सकता है, क्या यम ऑफलाइन इंस्टॉल नहीं कर सकता है? जैसे हमारा आरपीएम कर रहा था तो इसका आंसर ये भी है। तो इसका आंसर है यस, हाँ ये भी कर सकता है, हम लोकल इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखो लोकल इंस्टॉल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। यम इंस्टॉल की जगह आ जाएगा लोकल इंस्टॉल। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो रूट के होम में कोई पैकेज रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, डब्ल्यू गेट, समझ लो .. कुछ भी आगे आरपीएम है। ठीक है, हम कर सकते हैं जो काम हम आरपीएम से कर रहे थे ना, सब लोग समझने की कोशिश करना, वो अपन क्या कर सकते हैं लोकल इंस्टॉल कमांड से भी कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट, अब आप कहेंगे सर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि यदि कोई डिपेंडेंसी की आवश्यकता हुई तो इंटरनेट से अपने आप लेके आएगा कौन, यम। अगर हम आरपीएम से इंस्टॉल करेंगे एक सिंगल पैकेज को तो वो डिपेंडेंसी नहीं लाता, वो हमें दिखा देगा कि एरर आ रही है, मेरे को डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है, आप ढूंढ के लाएं। इज इट ओके टू एवरीवन, समझ में आ रहा? यस सर, वो जो उसमें टार फाइल थी ना, जो उससे इंस्टॉल हो जाता है क्या? टार से ज्यादा कुछ से कुछ नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं था। टार एक प्रकार की जैसे विंडोज फाइल होती है वैसे ही होता है। ठीक है, जैसे विंडोज फाइल होती है वैसे ही होता है टार, एक बैकअप को कहते हैं हम। ठीक है, लोकल इंस्टॉल यानी हम आरपीएम से भी कर सकते हैं, हम टार से भी कर सकते हैं, हम उसको सोर्स से भी कंपाइल कर सकते हैं। तीनों चीजें होती है, ये आपने अभी देखा, ये देखिए। तो जिप इसे विंडोज के लिए दे दीजिए, जिप। अच्छा, जिप को यहाँ कैसे लाएंगे, जिप फाइल के लिए क्या है, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब किसी को जिप यूज करना है यहाँ पर, कि सर मेरे को तो, मैंने तो ना सर ये जिप फाइल डाउनलोड कर ली है और मेरे को सर आपने कहा था अनराल करनी है लेकिन मैंने करी नहीं, तो फिर देखा कि जिप पैकेज आ गया। तो पहली बात तो ये जिप के लिए पैकेज होता है अनजिप। ठीक है, अब ये अनजिप पैकेज आई नहीं, ये देख रहे हो आप, मैंने लिखा अनजिप नहीं है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों इसको, ये हम इंस्टॉल अनजिप, सबको पता है, ये लो। ठीक है, ये लो। तो अनजिप के लिए क्या, जिप जिप फाइल्स को, जैसे जिप फाइलें कौन सी होती है अपनी, WinRAR, WinZip फाइल होती है ना, तो RAR के लिए हो गया UnRAR, WinZip के लिए हो गया UnZip फाइल, तो UnZip कर लिया, UnZip कमांड चलाई और उससे UnZip कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करें कि मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पर मैंने क्या कर लिया दोस्तों, डाउनलोड कर लिया, wget फिर दे दिया, सही दे दिया, तो ये भी डाउनलोड करेगा और इट विल टेक सम टाइम, ये CDN सर्वर से जुड़ रहा है और CDN से निकाल के लाएगा, लगभग 192 MB का, इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी आरपीएम, एक हो जाएगी जिप फाइल, तो इन दोनों को मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा सकता हूँ कि देखो इसको कैसे अनजिप करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं किसी भी एक प्रोसेस को रोक देता हूँ, बहुत आसान है। जैसे कि हमने ये देखा दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ एक अनरार का पैकेज रखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था यम लोकल इंस्टॉल, ये देखो आप लोकल इंस्टॉल क्या अनुराग, ये देख, ठीक है, राइट, ये पहले से इंस्टॉल है। और अगर किसी को रिमूव करना है कोई पैकेज, तो कैसे करेंगे, यम रिमूव क्या अनुराग, और क्या कर दिया, स्टार कर दिया, देख रहे हैं आप, इसको पैकेज मिला, हाँ मिल गया। ठीक है, आपने लिखा यम रिमूव, मैंने यहां पर क्या किया देखो दोस्तों, बहुत सिंपल, यम रिमूव अनुराग किया और एंटर कर दिया, और हाइफन यस दे देता तो क्या होता, सीधे में से पूछता ही नहीं, सीधे अनइंस्टॉल कर देता, कर दिया अनइंस्टॉल, रिमूव कर दिया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम लाइव सर्वर के ऊपर से, यानी रिमोट सर्वर से भी डाउनलोड कर सकते हैं यम के लिए पैकेजेस। हम लोकल पे अगर हमारे पास कोई आरपीएम रखा हुआ है, तो हम लोकल आरपीएम को भी यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस बता दिया आपको, कि यम के द्वारा किसी लोकल पैकेज में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बेनिफिट यही है कि उसकी डिपेंडेंसी अपने आप ढूंढ के लाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। और केवल अकेले आरपीएम से जब आरपीएम इंस्टॉल करते हैं तो डिपेंडेंसी आती है, तो वो हम ढूंढ कर इंस्टॉल नहीं कर पाते, ये हमारी इसमें दिक्कत रहती है, किसके अंदर, नॉर्मल आरपीएम कमांड में। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यम से इंस्टॉल करना। ठीक है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, रिमूव करने का तरीका मैंने बताया, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको रिमूव कर सकते हैं अनुराग को भी, बट ये मत करना इसको, मैंने रेड कलर से किया था। ठीक है,
कितने पैकेजेस हैं यम के ऊपर, यम सर्वर पे, हाँ कहाँ पर, सर्वर पे यानी रिमोट एंड के ऊपर। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, यम लिस्ट ऑल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें शायद आपको बहुत सारे नंबर ऑफ पैकेज मिलेंगे, यम लिस्ट ऑल, ठीक है, कैलकुलेट करेगा, लाएगा बहुत सारे पैकेज लाएगा। अब मुझे गिनने हैं, मुझे तो गिनने हैं, गिनने का मतलब काउंट करना, तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू सी माइनस एल कमांड चला दूंगा, ये गिन के बताएगा। डब्ल्यू सी का मतलब होता है वर्ड काउंट और माइनस एल का मतलब नंबर। कितने पैकेज है भाई, कोई बता सकता है मेरे को, कितने आरपीएम पड़े हैं सर्वर पे, देख सकते हो आप, कोई बताएगा मुझे। तो ये भी एक कमांड होती है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ पैकेजेस को देख सकते हैं। और पाइप लगाने से क्या हुआ दोस्तों, सारा का सारा आउटपुट कहाँ चला गया, डब्ल्यू सी में चला गया। तो डब्ल्यू सी क्या होता है, वर्ड काउंट और माइनस एल का मतलब लेंथ, ठीक है। तो ये देखो इस कमांड से हमारे को ये पता पड़ गया कितने नंबर ऑफ पैकेजेस उपलब्ध हैं यम सर्वर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। फॉलोइंग कमांड लेट यू नो द नंबर ऑफ पैकेजेस अवेलेबल ऑन रिमोट यम सर्वर, ठीक है, दैट्स इट। तो ये था एक सिंपल, एक यम क्लाइंट को यूज करना और आरपीएम कमांड को यूज करना। मैंने कोई आरपीएम को बिल्ड करना नहीं बताया, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में आरपीएम बताए। तो इसकी प्रैक्टिस एक बार आप अच्छे से कर लो, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। देखो टू बी वेरी फ्रेंक, हमें आगे बढ़ने का कोई सीन नहीं है। तो आई होप आप लोग विम की प्रैक्टिस, आरपीएम की, यम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो इस वीक में। परमिशन नेक्स्ट वीक में पढ़ लेंगे, मंडे को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो परमिशन पहले पढ़ के आएंगे आपके पढ़ाने से पहले, तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपका, है ना, ताकि आपके पास में जो भी नए वीडियो में डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आपको उसमें जाना है यूट्यूब में, वहां जाके लिखना है CGTS बीकानेर लिखोगे तो चैनल आ जाएगा, उसको सेलेक्ट उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट मंडे को जो मैं पढ़ाऊंगा वो होंगी लिनक्स की परमिशंस, नॉर्मल परमिशन पढ़ाऊंगा, स्पेशल परमिशन पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले आज तक के सारे डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहेंगे सर हमारे को ये चीज समझ नहीं आ रही वापस से बताओ, तो मेरे सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ।